Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notifications. Don't forget to hit the like button. Hello everyone. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयरन के कौन कौन से वेराइटीज हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके ऊपर से चार्ज जहां से हम थ्रो करते हैं, चार्ज क्या क्या होता है वहां पे होता है ओर, कोक एंड फ्लक्स। और जो प्रोसेस है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। और बॉटम ऑफ द फर्नेस जो है वहां पे हमें दो लेयर नजर आता है। जो बॉटम लेयर होता है वो होता है मोल्टन आयरन और उसके ऊपर होता है स्लैग। अब स्लैग को हम अलग निकाल लेते हैं और मोल्टन आयरन को अलग निकाल लेते हैं। ये जो आयरन जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो स्पॉन्ज जैसा होता है, इसलिए उसको स्पॉन्जी आयरन कहते हैं। अब नीचे जो आपको मेटल जो प्रोड्यूस हो गया, तो यहां पे जो आयरन निकला ब्लास्ट फर्नेस से, जो हमने इसको बाहर किया है वो, और उसके बाद जो वेराइटी चेंजेस होते हैं वो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ब्लास्ट फर्नेस से आप आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो नीचे का लेयर वो हो गया पिग आयरन। तो पिग आयरन और उसका वेराइटीज कौन कौन से हैं? पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील एंड रोट आयरन। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि फोर क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन और अल्टर टाइप से भी होते हैं इसका, अल्ट्रा प्योर ये सब, लेकिन ब्रॉडली जो है हम चार तरह के जो है आयरन लेते हैं। तो यहां पे टाइप्स ऑफ आयरन में ये देखिए, ये है पिग आयरन। और जो पिग आयरन है वो इंप्योरेस्ट फॉर्म है। तो यहां पे मैं इसको हाईलाइट करूंगा, यह है इंप्योरेस्ट फॉर्म। देखिए, आयरन के अंदर जो है कार्बन की इंप्योरिटी होती है और उसके अलावा भी MnSi, सल्फर, फास्फोरस ऐसे इंप्योरिटीज होते हैं। जो पिग आयरन है ये बिल्कुल जो है इंप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहलाता है। और ब्लास्ट फर्नेस से निकलने के बाद जब इसको कास्ट और मोल्ड्स में डालते हैं तो उसको कहते हैं कास्ट आयरन। यहां पे कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये हो गया कास्ट आयरन। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टील है। देखिए, स्टेनलेस स्टील एलॉय है, ये वैरायटी ऑफ आयरन जो है स्टील हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रोट आयरन। और ये जो रोट आयरन है ये हो गया प्योरेस्ट फॉर्म, ये है प्योरेस्ट फॉर्म। बिल्कुल क्लियर है? तो अभी हम वन बाय वन हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हम ब्लास्ट फर्नेस से जो मोल्टन मास जो निकाले हमने आयरन के फॉर्म में, वो है पिग आयरन। तो अबाउट पिग आयरन हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए पिग आयरन। अब यदि मान लीजिए पिग आयरन आपको 1.5 से 1.75 टन चाहिए, तो यहां पे फॉर 1.5 टू 1.75 टन ऑफ पिग आयरन। अब इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे 1 टन हमको जो है कोक लेना पड़ेगा और 0.5 टन करीब जो है फ्लक्स लेना पड़ेगा। तो 1.5 टू 1.75 टन ऑफ पिग आयरन रिक्वायर्स 1 टन कोक एंड 0.5 टन फ्लक्स। बताइए यहां पे फ्लक्स क्या था हमारा? CaCO3 जो डीकम्पोज होकर बनाता है CaO। तो ये जो फ्लक्स है, तो इसको यहां पे मैं लिख देता हूं CaCO3। तो ये सबसे पहले प्रोपोर्शन मेंटेन हो गया। अब हम देखेंगे कि पिग आयरन के अंदर जो है जो परसेंटेज इंप्यूरिटी है वो 2.5 के आसपास होता है। तो यहां पे इंप्यूरिटी ऑफ कार्बन 2.5 टू 4.5%। अभी देखिए 2.5 टू 4% हमने लिया कौन सा इंप्योरिटी ऑफ कार्बन, और इसके साथ MnSi, सल्फर, फास्फोरस ये भी होता है। तो यहां पे लिखेंगे अलोंग विथ दिस इंप्योरिटी अदर इंप्योरिटीज आर। अभी देखिए यहां पे MnSi, फास्फोरस, सल्फर ये सब हमने ले लिया। तो ये जो है पिग आयरन जो है इंप्योरेस्ट फॉर्म हो गया। अब ब्लास्ट फर्नेस से जैसे ही पिग आयरन बाहर निकला,
बड़े बड़े कास्ट हैं हमारे पास, कास्ट मोड सांचे बने हुए हैं और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कास्ट आयरन। तो अब यहां पे मैं ले रहा हूं कास्ट आयरन, अभी देखिए कास्ट आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले जो ब्लास्ट फर्नेस से निकला वो है पिग आयरन, और पिग आयरन को हम क्या करते हैं, रीमेल्ट करते हैं, रीमेल्ट फिर से इसको थोड़ा सा ज्यादा गर्म कर लेते हैं और इसके बाद इसको सांचे में हम डालते हैं। ये देखिए ये जो है अलग अलग सांचे हैं जिसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं। अब यहां से जो पिग आयरन को हमने रीमेल्ट करके जो सांचे में डाला, तो हम दो तरह से डाल सकते हैं, या तो हम इसका सडन कूलिंग कर दें या तो फिर स्लो कूलिंग करें। तो अब यहां पे हम देखेंगे पिग आयरन को जो है हम दो तरह से कूलिंग करेंगे। यहां पे जो है ये हो गया सडन कूलिंग, और ये कास्ट के अंदर है इसलिए जो कहलाएगा कास्ट आयरन। ये हो गया सडन कूलिंग और ये हो गया स्लो कूलिंग। अभी देखिए जो पिग आयरन से जो सडन कूलिंग हुआ तो इससे हमें जो मिला ये हो गया कास्ट आयरन। तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो है यहां से हमें मिला कास्ट आयरन, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये हो गया हमारा कास्ट आयरन। तो ये जो सडन कूलिंग हुआ इससे हमें मिलेगा व्हाइट कलर का जो है कास्ट आयरन। तो यहां पे लिखूंगा मैं व्हाइट कास्ट आयरन। अभी देखिए जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसके अंदर जो इंप्यूरिटी जो कार्बन का है, आपको बताया कि कार्बन की इंप्यूरिटी की वजह से अलग अलग परसेंटेज है कार्बन का, जिसकी वजह से जो हम वैरायटी ऑफ कार्बन को डिफाइन कर रहे हैं। तो पिक के अंदर हमने देखा है 2.5 से 4.5 है, अब इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन ये जो व्हाइट कास्ट आयरन है इसके अंदर कार्बन जो है वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में है जिसका फॉर्मूला है Fe3C। ये हो गया हमारा आयरन कार्बाइड, ठीक है। और यदि मान लीजिए इस पिग आयरन को आपने स्लो कूलिंग किया, पिग आयरन को यदि आपने स्लो कूलिंग किया तो इसका कलर ग्रे कलर का दिखेगा, और इसके अंदर भी कार्बन इंप्यूरिटी है लेकिन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो यहां पे देखिए ये हो गया ग्रे कास्ट आयरन और ये जो है कार्बन एज ग्रेफाइट। बिल्कुल क्लियर है आपको, पिग आयरन से हमने कास्ट आयरन बनाया और कास्ट आयरन दो तरह के बने, सडन कूलिंग से ये बना और स्लो कूलिंग से ये बना। तो इस पिग आयरन से हम कहां तक चले गए हैं, कास्ट आयरन तक। अब नेक्स्ट देखेंगे कि स्टील एंड रूट आयरन कैसे प्रोड्यूस होगा, इसको नोट कीजिए।